Speaking at a public rally in Wayanad, Congress leader Priyanka Gandhi Vadra criticized the Prime Minister and BJP leaders for neglecting real issues. She accused them of diverting attention from people's problems, development and rising prices and unemployment. Instead, they focus on irrelevant issues to dominate the media and shift the election narrative. Listen in. Well, in fact, if you look carefully and you listen to the Prime Minister's speeches and to the speeches of other politicians in the BJP, you find that the truth is reflected in the fact that they will not speak about your problems. They will not speak about development. They will not speak about real issues. Every single day they pull out some new issue which is unrelated to your life, which is unrelated to your progress, which is unrelated to rising prices, rising unemployment, and they make the whole media talk about those irrelevant issues and try to make the election about them. Kanika Katyar, my colleague, is joining us at this point in time to talk more about this. Kanika, agar aap meri awaaz sun pa rahe hain? Ji, Vineet. Priyanka Gandhi Vadra, Prime Minister, Pradhan Mantri Modi par nishana saadte hoye kaha ki मामूली मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, पर जो बेरोजगारी की बात है और जो डेवलपमेंट की बात है उस पर बीजेपी बात नहीं कर रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के लिए गुनहगार कह रही हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से वायनाड की बात करें तो वायनाड में आज प्रियंका गांधी ने प्रचार किया है और वायनाड की एक जनसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात का जिक्र किया है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री जो है वो रियल इश्यूज पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, रियल इश्यूज को इलेक्शन में नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं चाहे वो राम मंदिर का जिक्र हो या तमाम अन्य मुद्दे हो, उनको उन मुद्दों को उठाकर जो है पूरे इलेक्शन में रियल इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने उस रैली में इस बात का भी उल्लेख किया कि जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, पीएम अपने 10 साल की अचीवमेंट का एक बात भी जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े करके या कांग्रेस के किसी भी तरह के कार्यक्रम पे सवाल खड़े करके केवल जनता को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए विनीत, साफ तौर पर लगातार देखा गया है पिछले 2 से 3 दिन से लगातार। कनिका, प्रियंका गांधी इनफैक्ट इज स्पीकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, वी गोना कट अक्रॉस। चुनाव किस तरफ जा रहा है, आप अपने वादे गिरा रहे हैं? देखिए, चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। यही लगता आपको भैया जी? पहले तो मैनिफेस्टो हुआ, पहले मैनिफेस्टो हुआ तो आप लोगों का भी आया, बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, तो विजन बताया जा रहा था 2047। आज विजन जो है, आज विजन की बात नहीं हो रही है, आज सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषणों में कांग्रेस है। क्या कैसे देखती हैं आप इसको? ये इनकी पुरानी आदत है, हम शुरू से और अभी तक हम विजन की बात कर रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं कह रहे हैं कि ये हमारी गारंटी है, इस तरह से हम रोजगार बनाएंगे, महिलाओं को हम ये देंगे, महिलाओं के लिए हम ये रोजगार देंगे, आदिवासियों के लिए ये करेंगे, SC ST के लिए ये करेंगे, हम सिर्फ यही बातें कर रहे हैं। आप मेरे भाषण को भी सुने, आधा भाषण इसी पे है, ठीक है, कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या देश की क्या परिस्थितियां हैं। अब इनके जो भाषण है वो आप ही आप सुनते हैं, आप देखते हैं क्या कहाँ है ये बातें, कौन सा विजन भाई? क्या ये विजन आपने कह दिया कि 2047 का विजन है, लेकिन क्या है ये विजन? और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए आपने पिछले 10 सालों में क्या किया? आपने तो देश की सारी संपत्ति दे दी अपने दोस्तों को, आपने तो दे दी ना सारी संपत्ति, सारे कोयले के खदान, सारे
बंदरगाह, सारे एयरपोर्ट, सारी सड़कें आपने सब दे दी अपने दोस्तों को, क्या यही है आपका विजन? आपका आम आदमी के लिए क्या विजन है? आप रोजगार देने के लिए क्या कर रहे हैं? आप महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? चुनाव से पहले आपने कह दिया कि सिलेंडर 400 का है, पिछले इतने सालों से महिलाएं सिलेंडर खरीद रही हैं 1200 का, तब आपने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, आप कह रहे हो कि हम फट से इसको कम कर देंगे, कैसे? पहले क्यों नहीं की जब आप कर सकते थे? जब आप इतनी, आपके पास इतनी सत्ता है, आप मोदी जी हैं, आप कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि आप दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, और आप में इतनी क्षमता है कि आप रूस का जो युद्ध है वो बंद कर देंगे, यूक्रेन वाला आप कुछ भी कर लेंगे चुटकी में, तो क्या आप चुटकी में इस देश की बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते? क्यों आप चुटकी में ये जो महंगाई है कि महिलाएं जा रही हैं मार्केट जा रही है कुछ खरीद नहीं पा रही है, त्योहार के मौसम में कुछ क्या करती है बेचारी? घर जाती है, जो छोटी मोटी बचत है उससे कुछ नहीं मिल रहा है, घर का परिवार का सब काम, सारे सदस्य काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ से कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि कमाई करे, कोई खेती में, कोई कहाँ, कोई जॉब करके, जो भी है वो कमाई पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या किया है मोदी? 25 साल पहले का भी आपका बयान सुनते थे तब भी आप डिफेंड करती थी, परिवार को आपको लेके अटैक होता था, आज भी परिवार को लेके ही नहीं हमले होते हैं, उसको किस तरीके से किस तरीके से देखते हैं आप आज भी? देखिए परिवारवाद की बात करते हैं, आप जरा मुझे गिन के अगली बार आप मेरे से मिलेंगे ना, मैं आपसे मांगूंगा, आप मुझे एक सूची दीजिए कि किस किस परिवार के कौन से बच्चे, बेटे, बेटियां, चाची, चाचियां इनकी पार्टी में हैं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज इनकी पार्टी में ज्यादा है। तो ये जो परिवारवाद की बात करते हैं ना, इनको समझना चाहिए कि परिवार जो भी होता है, हर परिवार में एक मर्यादा होती है, हर परिवार के कुछ असूल होते हैं, और परिवार के सदस्य उन असूलों के लिए हमेशा लड़ते हैं, यही हमारी परंपरा है, भगवान राम ने भी यही किया। भगवान राम को हम आज क्यों पूछते हैं? क्योंकि यही थी उनकी मर्यादा थी, उन्होंने अपनी मर्यादा को बचा के रखा और उसके लिए सच्चाई के लिए लड़े। राइट, कनिका माय कलीग इज जॉइनिंग अस वंस अगेन ऑन द ब्रॉडकास्ट। कनिका, अगर आप हमारे साथ हैं, all right, we also had a conversation with Mr. Dushyant Chautala, we're going to listen into that now. वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम है। दुष्यंत जी, सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में भी विचार करना चाहिए, पॉलिसी पे चर्चा होनी चाहिए कि अमेरिका में जिस तरह से विरासत टैक्स लगता है वो यहाँ पर भी। ये सैम पित्रोदा का बयान जो है ये कांग्रेस की मानसिकता, सोच और विचार को दर्शाता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण से उसका मतलब यही है कि जो लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, मकान बनाया है, उसको सब बांट देना, और जो मनमोहन सिंह ने कहा है कि पहले संसाधनों पर माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का, उनमें बांट देना। और ये अभी नहीं कहा है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी यूपीए की, उस समय ये कहा गया था दलितों का, क्रिमी लेयर का आरक्षण खत्म करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो क्रिमी लेयर का देख कर उन लोगों ने जो आरक्षण के माध्यम से थोड़ा बहुत अपना जीवन स्तर बढ़ाया है, और मुझे लगता है सबसे बड़ा कुटारघात तो वो है जो कांग्रेस के शासन में 32 रुपये कमाने वाला अमीर है, इसलिए 32 रुपये कमाने वाला हर अमीर का आर्थिक सर्वेक्षण होगा, और सर्वेक्षण की प्रॉपर्टी को छीन कर मुसलमानों में बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था हमारी चलती है, जो हमारा आपस का लेन देन चलता है, जो भाईचारा चलता है, उसको ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि उन्होंने सुपर अमीर की बात की है, तो सुपर अमीर का पैसा जो है जिस प्रकार से अमेरिका में 55% जो है सो उनके जाने के बाद दान कर दिया जाता था, तो क्या भारत में ही होना चाहिए? हाँ, सैम पित्रोदा अगर इसको करने जाते हैं तो पहले तो राहुल गांधी की प्रॉपर्टी पे करें, जो राजीव गांधी छोड़ के गए वो बांटे ना, जो आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहते हैं ये गांधी परिवार बताए इनके पास कितना पैसा आया है, कहाँ से आया है, ये सारा बताना चाहिए और बांट के दिखाना चाहिए, तब लोगों को लगेगा। ये तो अभी तक भी 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छुटे हुए हैं, अभी लूटने का कोई भी कोना नहीं छोड़ पा रहे, जहाँ की सेना के हथियार खरीदने हो, हेलीकॉप्टर खरीदने हो, जहाज खरीदने हो, उसमें भी दलाली खाने वाले लोग आज ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं, और देश को टुकड़े टुकड़े में बांट कर, और चाइना और पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो बनने वाले लोग हैं।
प्रियंका गांधी ने कहा है कि मंगलसूत्र तो मेरी माँ ने कुर्बान कर दिया देश के लिए। बांटा तो नहीं है ना जी, कुर्बान करना और बांटना अलग है। उस मंगलसूत्र को निकालिए ना आप, मंगलसूत्र क्या, आप बहुत सारे बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, बांटिए ना उसको, करिएगा आपने। लेकिन आपको माँ का मंगलसूत्र याद है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के कारण के चक्कर में जो लाखों लोगों का कुर्बानी ली थी, 15-20 लाख लोग मारे गए थे, और तुम्हारे पिताजी का नहीं मालूम है, बड़ा पेड़ गिरता है धरती डालती है, हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया था, उनका मंगलसूत्र नहीं था क्या? या भोपाल गैस कांड हुआ था जिसके अंदर लाखों लोग आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं, उसके अपराधी को छोड़ने का काम किया, उन माता बहनों का मंगलसूत्र नहीं था? जहां आपको अपनी माँ का मंगलसूत्र याद आता है, देश के करोड़ों और लाखों लोगों की जान तुमने ली है कांग्रेसियों ने, उसके भी मंगलसूत्र, उन गरीबों के भी मंगलसूत्र को, बहनों के याद करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करने नहीं जा रहे हैं, और आज राहुल गांधी ने कहा है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य है ये, प्रधानमंत्री अनेकों अनेक बार ये कह चुके हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं कर रहे, हम संविधान नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक षडयंत्र कांग्रेस हर बार चुनाव से पहले ये निकालती है, ये आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं जानना चाहता हूँ 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने जो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का प्रियम्बल था, जो आत्मा होती है किसी किताब की, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था प्रियम्बल मत बदलना, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष क्यों जोड़ा उसके अंदर, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया, संविधान की आत्मा की हत्या की इन्होंने, संविधान बदला है इन्होंने, और आज दूसरों पर आरोप लगाने की बात करते हैं। तो इसलिए जो हमारा निर्णय है कि हमारा देश में आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, ना ही कोई संविधान को बदल सकता, लेकिन ये छोटी छोटी बैठके करके जो षडयंत्र रचने का काम करते हैं, आज दलित जागृत हो गया है, वो समझता है मेरे बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है। राहुल गांधी आर्थिक सर्वे की बात करते हैं, सैम पित्रोदा अमेरिका में विरासत टैक्स की बात करते हैं, और अब सैम पित्रोदा कह रहे हैं हमारे बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रेस, ये क्या लगता है चुनावी घड़ी में? बाद में ऐसे ही बोलते हैं कि बयान मेरा नहीं है, पार्टी बोलेगी ये बयान हमारा प्रवक्ता का नहीं है। क्या ये प्रवक्ता के बगैर जो बोलते हैं तुम लोग, जो राहुल गांधी बोलता है वो तो बयान इनका है नहीं है, मनमोहन सिंह का बयान इनका है नहीं, उसको तो ओन करें ना ये लोग, तो इसलिए जो अच्छा लगेगा उसको बोलेंगे, और जो लगेगा आज जनता जिसकी नब्ज जानती है, इनके आत्मा की आवाज़ को जानती है कि ये आर्थिक सर्वेक्षण कराकर गरीबों का पैसा हत्याना चाहते हैं, उससे आप नकार नहीं सकते, आपके विचार भी मालूम पड़ता है आखिर आर्थिक सर्वेक्षण किस चीज़ का है। पहले तो आप घोषणा करो अपने परिवार की, कहाँ से आया इतना पैसा आपके पास में, तो मुझे लगता है साफ साफ नियत इनकी मालूम पड़ रही है, ये हमारे गरीबों का पैसा छीनकर माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को बांटना चाहते हैं, जो मनमोहन सिंह ने कहा था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.